शेख रशीद साहब, सर अर्ज ये है कि अब होगा क्या? लाहौर में लीडरशिप कहाँ है सर? ये तो आवाम अपने तय निकली हुई है, लेकिन कब तक अगर इनको कोई लीड करने वाला नहीं होगा सर? लोग तो खुद ही निकले हुए हैं जी, अभी भी इस वक्त शेलिंग हो रही है पिंडी में, लियाकत बाग बाग में और मरीड पे, और सियासी हालात इन्होंने खुद खराब किए हैं। और जो अदालत थी वो आफियत खाना समझा जाता था, वो महफूज तरीन जगह समझा जाती थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने रोन डाला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और जो ये कह रहे हैं कि जजेस को लटकाएंगे, इन्होंने निशाना अदलिया को बनाया था, लेकिन हर कोई वजीर बयान देता था कि इमरान खान को जेल भेजेंगे, दो दफा कत्ल का हमला भी किया, वो बच गए, अब इन्होंने जेल भेजा तो भुगते हैं। अब ये नवाज शरीफ लंदन से अपने जो इवन फील्ड के नीचे उतर के बताए, और कोई वजीर अवाम में जाकर बताए, इन्होंने अपना सत्यानाश कर लिया और 13 जमातों की सियासी कब्र खुद गई है, और ये इंतहाई गंभीर हालात हैं। दुआ करें अल्लाह मुल्क के हालात बेहतर करे, क्योंकि IMF ने भी 17 तारीख को एजेंडे में नहीं रखा, 170 अरब रुपए का टैक्स भी हम पे लगवा दिया, और 50% महंगाई भी हो गई। लोग जो हैं पेट की खातर भी और अपनी मसाइल की खातर से ज्यादा, मैंने 6 नवंबर 1968 को जो दिन देखा था अयूब खान के खिलाफ, आज मैं पिंडी में वही दिन देख रहा हूँ। हर सर्विस बंद है, हर चीज बंद है, लेकिन लोग सड़कों पे खड़े हैं, और टीयर गैस इस वक्त चल रही है, गोली लगने से एक बंदा जख्मी हो गया। अच्छा शेख साहब, ये लाहौर की लीडरशिप, PTI की लीडरशिप आ गए ना, आपने कहा लोग निकले हुए हैं, अच्छी बात है सर, निकले होंगे अपने लीडर के सपोर्ट में, लेकिन सर लीडरलेस निकले हुए हैं सर, ये सब गायब कहाँ है PTI के? लोग ऐसे ही निकलते हैं जब निकलते हैं जी। अयूब खान का दौर भी मुझे आज याद है, मैं एक स्टूडेंट लीडर था, लेकिन लोग खुद ही निकले थे, लोग निकले आए हैं, और इमरान खान को इन्होंने आगे से भी ज्यादा मजबूत, मकबूल, तवाना, और जो इनके खदशात थे उनका मुकाबला नहीं कर सकते, अब तो ये उसके पास से भी सियासत में नहीं गुजर सकते। तो सर ये जो कैंटोनमेंट इलाकों में घुस गई है आपके कारकुन या आवाम, और मैं तो इस पर बात नहीं करना चाहता। आप समझते हैं सही बात नहीं है सर, मुजम्मत करेंगे सर? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ ना कि मैं जब आपको सवाल करने का हक है, मैं जवाब या ना सर, ये मेरा हक है, हमेशा आप ऐसी गलती करते हैं, मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा सर, ये खदशात जो जाहिर किए जा रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा पुलिस की कस्टडी में, ये बात दुरुस्त है सर? देखिये, खतरा तो उसकी जान को है, ये तो पहले भी दो दफा कोशिश कर चुके हैं, कोई आजकल तो आपको पता है ऐसे ड्रॉप होते हैं कि बंदा महीने बाद मरे, भी बंदा 2 महीने बाद मरे, बंदा 1 हफ्ते में मरे, ऐसे ड्रॉप मार्केट में अवेलेबल हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया सर।